हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसीसी का। तो डियर, इस सेशन में हम हमारा जेई मेंस का जो पेपर हुआ है 8th ऑफ जून को, जो कि फिजिक्स का टोटल 6 टेस्टों में से 5वां टेस्ट है, उसके जेई मेन वाले पोर्शन को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वाले सेशन में हम एडवांस वाले पोर्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, दैट अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM according to equation x is equals to a cos omega t, find its average speed for time। अपने को एक पार्टिकल है, उसके बारे में ये कहा गया है कि वो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, और उसके SHM परफॉर्म करने की जो इक्वेशन है वो x is equals to a cos omega t है। तो देखिए, यहां से पहली बात जो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि पार्टिकल x is equals to a cos omega t के अकॉर्डिंग SHM कर रहा है, then at t is equals to 0, particle will be at x is equals to plus a, particle x is equals to plus a पर होगा, particle यहाँ से motion start करेगा और कुछ इस type से move करता हुआ आएगा, positive extreme position से particle start कर रहा है। हमें जो time interval दिया गया है वो 0 से 7 pi by 6 omega का दिया गया है, और इस time interval में मुझे average speed, तो देखिए average speed जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहां पर यदि अपन बात करें, देखिए पार्टिकल के लिए जो मोशन का टाइम है वो है साहब 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 ओमेगा। यदि मैं टाइम पीरियड के साथ इसका रिलेशन निकालना चाहूं, पार्टिकल का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, बोलो ठीक। तो टाइम पीरियड के साथ इसका जो रिलेशन होगा, दैट इज स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, दैट वैल्यू कम्स एज 7 पाई बाई 6 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा सही हो गया, पाई से पाई सही हो गया, दिस डाटा कम्स 7 बाई 12 नॉट पाई। स्मॉल टी बाई कैपिटल टी की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग इज 7 बाई 12, तो स्मॉल टी मेरे पास जो आया वो आ गया 70 डिवाइड बाई 12, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यू कैन राइट इट लाइक टी प्लस टी बाई 2 प्लस टी बाई 12। T by 2 plus T by 12 की बात करूं तो स्टार्टिंग के T by 2 में तो मेरे को पता है कि फिर x is equals to a cos omega t है, तो पार्टिकल प्लस a से कहां तक जाएगा, माइनस a तक। फिर उसके बाद मेरे को पार्टिकल से अगले जो T by 12 है उसमें पार्टिकल माइनस a से किस पोजीशन पर आता है, तो हमें पोजीशन की जो इक्वेशन है वो दी गई है x is equals to a cos omega t। यदि मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं a cos ओमेगा एंड दिस इज 7 पाई बाय 6 ओमेगा, तो देखिए जी साहब अपना ओमेगा से तो ओमेगा सही हो गया, ये 7 पाई बाय 6 दैट कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 6 एंड cos पाई प्लस पाई बाय 6 इज माइनस ऑफ cos पाई बाय 6 दैट वैल्यू इज √3 बाय 2, सो दिस कम्स एज -√3 a डिवाइडेड बाय 2। आप के स्टूडेंट हो इतना तो कर ही लोगे यार। नहीं, ये अपने पास पार्टिकल की पोजीशन आ गई। अब समझना जरा बात को कि सिचुएशन क्या हुई है। पार्टिकल जो है वो यहां से स्टार्ट किया t by 2 टाइम में माइनस a तक मूव करके गया, फिर उसके बाद -√3 a by 2 तक आ गया। इसका मतलब यदि टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस की बात करें तो प्लस a से माइनस a दैट इज 2a। प्लस में देखिए a और ये जो डिस्टेंस है हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो दैट कैन बी रिटन एज a -√3 a by 2, ये x is equals to 0 अपना है। तो यहां से अपन ने ये वाली डिस्टेंस मतलब कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लिया, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब आपको एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो v average is total distance divided by total time, तो total distance is 2a plus a that is 3a, a को तो मार दो common, that is 3 minus root 3 divided by 2 divided by 7 pi by 6 omega। देखिए 6 omega तो ऊपर चला गया, और ऊपर से मैंने root 3 और common ले लिया, तो 6 root 3 a omega divided by root 3 minus 1 by 2 divided by 7, that will be the answer, 6 root 3 a omega by 7 pi root 3 minus में 1 by 2। यदि अपन यहां से बात करते हैं तो dear अपना third option जो है वो correct होगा, clear। चलिए जी सर, next question की बात करते हैं, question number 2, बहुत ही conceptual सा question है, और इसमें यदि अपने को वो चीज पता है कि जब velocity of flux की बात करते हैं तो अपन उसमें range calculate करते हैं, और वो एक simple सा concept की base से height और टॉप से हाइट, यदि दो होल के लिए अपन देखते हैं कि जैसे ये बेस से हाइट h1 है, इसकी यदि टॉप से हाइट h1 होती तो दोनों के लिए
हॉरिजॉन्टल रेंज जो आती है वो सेम आती है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए पहले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ड्रम इज फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर। इफ द रेंज ऑफ वाटर फ्रॉम बोथ द होल्स इज सेम, फाइंड हाइट ऑफ वाटर इन द ड्रम। ड्रम में मेरे को हाइट ऑफ वाटर कैलकुलेट करके बतलानी है। तो यही कहा गया है कि दोनों की रेंज सेम है। तो अपन ये कहते हैं कि यदि एक की हाइट h1 होती है और दूसरे की हाइट h2 होती है, तो ये वाली जो हाइट बची ये कैपिटल h माइनस h2 बची। बोलो यस और नो, सिंपल। और यदि ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, यदि ये दोनों डाटा सेम होते हैं, यदि ये दोनों डाटा सेम होते हैं तो उस कंडीशन में रेंज सेम आती है। बाकी यदि अपन इसको एक बार डिराइव करना चाहें तो चलिए जी सर देखिए, अपन ये कहते हैं कि साहब यदि यहां से h हाइट पर है तो यहां से जो, यदि ये h हाइट पर है तो यहां से बेस से हाइट कैपिटल h माइनस स्मॉल h, एक कंटेनर में लिक्विड फिल्ड किया हुआ है, ऐसे से सिचुएशन, तो यहां से जो वाटर एग्जिट होता है उसकी वेलोसिटी मेरे पास आती है रूट टू जी एच, और वो जो ग्राउंड पर हिट करता है उसकी वैल्यू मेरे पास आती है वेलोसिटी इनटू द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टू टाइम्स कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय जी। तो जी तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये टू साथ में एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यदि ये डाटा, मतलब जैसे मान लो इधर हाइट एच है तो इधर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, मान लो इसमें दूसरा एक होल होता है यहां इस वाली साइड कर लो, यदि इसकी हाइट यहां से कैपिटल एच माइनस एच होती तो यहां कैपिटल एच माइनस एच की वेलोसिटी कितनी आई, दैट इज अंडर रूट टू टाइम्स कैपिटल एच माइनस एच, और यहां से ये हाइट यदि एच होती तो बॉल जो वाटर यहां पर स्ट्राइक करता और उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती दैट इज अगेन टू अंडर रूट एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो अपन यही बोलते कि दो होल, एक की बेस से और एक की टॉप से हाइट यदि सेम है तो उस केस में रेंज सेम आएगी। तो हमने कहा साहब एक तो ये h1 ये h2, तो देखो डियर ये h1 ये, इसका मतलब ये भी h1 है। बोलो सही, बोले जी ठीक है। h1 गिवन है 0.1 और h2 गिवन है 0.2, तो हाइट जो वाटर की हुई दैट इज 0.3। बोलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सेकंड वाले भी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, एक सिंपल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन। देखिए इसमें डराने के लिए है ये सब, है ना, बाकी बहुत मतलब प्रेशर की इक्वेशन लगानी है और खेल खत्म। देखिए बोला ये गया है कि देयर आर टू फ्लूइड्स प्रेजेंट इन अ वेसल शोन इन फिगर। इफ द कैपिलरी ट्यूब ओनली डेंसर लिक्विड इज प्रेजेंट, कैपिलरी ट्यूब जो है वो केवल डेंसर लिक्विड में, कैपिलरी ट्यूब जो है उसमें, इन कैपिलरी ट्यूब ओनली डेंसर लिक्विड इज प्रेजेंट, कि कैपिलरी ट्यूब में केवल डेंसर लिक्विड है। अब डेंसर यहां से यदि आप बात करोगे, देखिए रो टू वाला नीचे है, रो वन वाला ऊपर है, इसका मतलब टू जो है वो डेंसर है और वन जो है वो रेयरर है। बोलो सही बात, मतलब इस कैपिलरी ट्यूब में केवल रो टू डेंसिटी का लिक्विड प्रेजेंट है। अच्छा जी साहब, फिर बोल रहा कॉन्टेक्ट एंगल को अपने को जीरो मानना है, कैलकुलेट सरफेस टेंशन ऑफ द डेंसर लिक्विड, डेंसर लिक्विड का सरफेस टेंशन बतलाना है। कैपिलरी ट्यूब मतलब ये वाली जो हाइट दी गई है, ये वाली हाइट h दी गई है और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस जो है वो स्मॉल r है। मैं कहूं देखो ऐसा है, सिंपल से फंडे से चलते हैं अपन, मान लो कैपिलरी ट्यूब नहीं है ना, यहां से चलना मेरे को इस वाले पॉइंट पे, प्रेशर p1 है, यहां लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो वन है, तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर p0 प्लस रो वन जी एच। बोलो सही। अच्छा फिर यदि मैं कैपिलरी ट्यूब इनसाइड में इमर्ज कर दूं, यहां प्रेशर क्या होगा P नोट, लेकिन जस्ट इसके नीचे, यदि इसकी रेडियस R और कैपिलरी ट्यूब का कॉन्टेक्ट एंगल इस फ्लूइड के साथ जीरो डिग्री है, वो जनरली किसके लिए होता है, ग्लास एंड प्योर वाटर, वो कॉन्टेक्ट एंगल जीरो डिग्री है, तो इस वाले पॉइंट पर जस्ट बिलो दैट पॉइंट, मतलब सिचुएशन ऐसी, यहां प्रेशर P नोट है तो इस पॉइंट के जस्ट बिलो प्रेशर जो होगा वो P नॉट माइनस 2T बाय R होगा। फिर यदि मैं यहां से एच डेप्थ पर बात करूं तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू जो होगी, दैट प्रेशर इज P नॉट माइनस 2T बाय R प्लस में रो टू इंटू जी इंटू एच। मैंने क्या किया, दोनों साइड से भाई स्टैटिक फ्लूइड है, तो स्टैटिक फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर,
तो एक तो कैपिलरी ट्यूब के बाहर से रोवन वाले लिक्विड से आकर देखा और एक कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड रोटू वाले लिक्विड से आकर देखा और दोनों साइड से प्रेशर निकाला और दोनों को इक्वल पुट कर दिया। जैसे ही अपन इसको पुट करेंगे दिस वैल्यू इज पी नॉट प्लस रोवन जी एच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस टू टी बाई आर प्लस रोटू जी एच। देखो जी साहब अपना पी नॉट तो सही हो गया, ये वाले डाटा को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो घूमने के लिए, तो 2t by r की वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज कमिंग इज root 2 gh minus rho 1 gh दैट कैन बी रिटन एज root 2 minus rho 1 into gh। सो सरफेस टेंशन इज r by 2 साथ में root 2 minus rho 1 into में gh, दिस इज द सरफेस टेंशन ऑफ द डेंसर फ्लूइड। तो यहां से यदि अपन बात करें तो अपना थर्ड जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि हमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें बोला गया है कि दैट इफ ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड कैपिटल टी इज द सरफेस टेंशन देन डायमेंशंस ऑफ कैपिटल टी बाय ईटा इज इक्विवेलेंट टू। कैपिटल टी सरफेस टेंशन है और ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल टी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो मेरे पास आएगा that is ml t minus 2 divided by l, so that value comes as m l 0 t minus 2, this is the dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity is related। यदि मैं एक formula की बात करूं, here f comes as 6 pi eta r v, तो eta is f upon 6 pi r v, dimensional formula ml, sorry it is ml t minus 2 force field, ml t minus 2 divided by radius के लिए l और velocity के लिए m t minus 1, so this dimensional formula will be m l minus 1 t minus 1। capital D का dimensional formula आ गया, eta का dimensional formula आ गया, हमें eta by capital T by eta की बात करनी है, तो dimensional formula m l 0 t minus 2 and this value is m l minus 1 t minus 1। देखिए m तो सही हो गया, ये l 0 l minus 1 ऊपर जाकर l plus 1 हो गया, t minus 2 t minus 1 ऊपर t minus 1 बच गया, और ये जो dimensional formula है l is for meter per second, मतलब इसका dimensional formula meter per second के equivalent होगा, और meter per second की बात की जाए तो speed is the correct answer, clear। चलिए जी सर अगले वाले question की बात करते हैं, question number 5। देखो dear 5 में बोला जा रहा है that a string of negligible mass and length 0.5 meter at 200 degree celsius is hanged from a ceiling, its cross section area is 2 into 10 raised to the power minus 6 meter square, now its temperature is decreased to 0 degree celsius, find out the amount of mass that should be hanged from the lower end of the string so compression in its length is 0। matlab situation kuch aisi hai ki ek string hai usko apan ne ek ceiling se hang kiya 200 degree celsius par, ab iska temperature decrease hua to obviously iske length mein decrement hoga, to maine kya kiya iske lower point pe kuch mass hang kar diya ताकि इसके लेंथ में किसी भी टाइप का कोई डिक्रीमेंट ना हो, तो वो कब पॉसिबल होगा? हमने कहा सर उस सिचुएशन में जितना डिक्रीमेंट टेम्परेचर फॉल की वजह से होना चाहिए या फिर जितना स्ट्रेन टेम्परेचर फॉल की वजह से आना चाहिए, यदि उतना ही स्ट्रेन एक्सेस मास हैंग करने की वजह से आ जाएगा तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट मास, बोलो हाँ या ना, तो उस केस में कंप्रेशन जीरो होगा क्योंकि जितना टेम्परेचर डिक्रीमेंट से हो रहा उतना वो एक्सपेंशन दे पा रहा है, तो किसी भी मास को हैंग करने से स्ट्रेन की जो वैल्यू आती है दैट इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, याद है क्या, यंग्स मॉडुलस विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, बोले जी साहब अपना स्ट्रेन होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कैपिटल वाई, सो इट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज एमजी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए इनटू कैपिटल वाई, बोलो सही है बेटा, we have to calculate the value of mass m, so it is alpha 2 into 10 raised to the power minus, sorry this is the area 2 into 10 raised to the power minus 6 into Young's modulus rakh de, that is 10 raised to the power 11 into mein alpha is given as 10 raised to the power minus 5 into the cross sectional area that is 2 into 10 raised to the power minus 6, bolo sahi, acha ji sir ek minute, delta t ki value apan ne put nahi ki, yahan gadbad kar di thodi si, this is the area, this is the Young's modulus, this is alpha and the temperature difference is 200, temperature difference decrement hua kitne ka 200 ka, bole ji theek hai
डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू कितनी 10। अच्छा देखो ये 10 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 और 11, ये तो सही हो गए। यहाँ जो डाटा 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर मास की निकल कर आ रही है कि मैं यदि स्ट्रिंग से 40 केजी का मास हैंग करवा दूंगा तो उसमें किसी टाइप का कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद हो तो। जनरली रिजोल्विंग पावर और रिजोल्विंग लिमिट में क्वेश्चन जो आते हैं वो जेईई मेंस के पेपर में ही आते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं। और ये बात हम लोग क्लासरूम में भी बच्चों को बार बार बोलते हैं कि डियर रिजोल्विंग पावर और रिजोल्विंग लिमिट इनके फॉर्मूला जो है वो आप मेमोराइज रखें तो इनके क्वेश्चंस हिट हो जाएंगे। देखिए इसमें भी सिंपल सी बात है कि रिजोल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप विल बी मोर व्हेन इट्स ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ। तो रिजोल्विंग पावर की जब अपन टेलीस्कोप की बात करते हैं ना तो वो रिजोल्विंग लिमिट प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा अपॉन कैपिटल डी के, और रिजोल्विंग पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डी बाई लैम्डा के। मतलब एक बात तो वेवलेंथ की है, आपको याद हो तो रिजोल्विंग पावर इंक्रीज करने के लिए ये जो वेवलेंथ है इसको यदि डिक्रीज करेंगे तो रिजोल्विंग पावर इंक्रीज करेगी, तो इसलिए अपन उसमें एक फ्लूइड भी फिल कर सकते हैं। बाकी दूसरा अपना सिंपल सा क्वेश्चन है वो उसके ऑब्जेक्टिव लेंस को लेकर बात की गई है कि सर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसके डायमीटर के बारे में आप क्या कहेंगे, फोकल लेंस से कोई रिलेशन नहीं है, केवल डायमीटर की बात करें तो इफ द डायमीटर इज मोर देन द रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप विल बी ऑल्सो मोर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो डियर 7 में क्या बोला जा रहा है कि दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल इज √3। एक लेंस है, इधर इसकी कर्व सरफेस है, इधर प्लेन सरफेस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √3 है। ए लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज शोन इन द फिगर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लाइट रेज 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई, व्हाट इज द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, लेंस के थ्रू प्रोड्यूस टोटल डेविएशन क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब बोला सर इंफिनाइट से आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात को, सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, सेंटर पे इंसिडेंट नहीं हो रही है, सबसे पहली चीज तो ये लाइट रे इधर से 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है, तो ये जो है ना ये बिल्कुल नॉर्मल होगा इसका, ये नॉर्मल होगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि इन दो मीडियम के लिए मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं। स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो म्यू वन की यदि बात करें तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, दैट इज √3 इंटू में साइन आर। तो यहां जो वैल्यू आएगी साइन 60 इज √3 बाई 2, इट इज √3, तो 1 बाई 2 बच गया, तो साइन आर जो अपने पास आ रहा है दैट इज 1 बाई 2। मतलब एंगल आर जो मेरे पास निकल कर आ रहा है ना, दैट एंगल इज 30 डिग्री। मतलब इधर 60 तो इधर वाली साइड 30, यदि इधर वाली साइड 30 मतलब इस एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, ये वाला एंगल 30 है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को अपन जूम करके बना लेते हैं ना। ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 30, ये वाला जो एंगल आएगा ये भी 30 आएगा। बोलो हाँ यार, सही बात है। बोला यहां 30 आएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल वापस से √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 60। मतलब दूसरे साइड इमर्जेंस एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर रे आ रही है और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर ही रेज आ रही है। अरे हॉरिजॉन्टल से पर्टिकुलरली यदि मैं बात करूं, ये वाला एंगल अभी भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। मतलब रे में किसी भी टाइप का कोई एंगुलर डेविएशन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। तो यदि अपन यहां से करेक्ट आंसर की बात करें तो थर्ड वन 0 डिग्री, थोड़ा सा स्पेस आगे चला गया, 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री बेस्ड है। मतलब इसमें अपने को यह पता होना चाहिए कि चलिए एंगल मिनिमम आया कहां, अपन उसको चलिए बना के देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे बात करें कि बोल क्या रहा है।
वो बोल रहा है दैट लाइट बीम ऑफ डायमीटर डी इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए क्वार्टर सर्कुलर कर्व ट्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटर रेडियस आर such that there is no emergent ray from the outer surface after first incidence. मतलब वो कह रहा है कि first incidence जो होगा, देखो outer surface पर वैसा होगा, अगर एक ऐसी circular tube है, उस circular tube में 4 mm diameter का एक light beam है, वो incident हो रहा है, और मेरे को कोई emergent ray नहीं चाहिए ना, यदि कोई emergent ray नहीं चाहिए, इसका मतलब इस वाली सरफेस पर ये जितनी भी रेज इंसिडेंट हो रही हैं, इस वाली सरफेस पर ये जितनी भी रेज इंसिडेंट हो रही हैं, इन सारी रेज के लिए टीआईआर होना चाहिए। बोलो सही बोलो, यहां पर जितनी भी रेज इंसिडेंट हो रही है ना, इन सारी रेज के लिए टीआईआर होना चाहिए। बोलो सही, बोले जी ठीक है। तो हमने कहा साहब टीआईआर, तो फिर यदि मिनिमम एंगल के लिए भी टीआईआर हो गया, मिनिमम इंसिडेंस एंगल के लिए भी, तो फिर TIR होगा सभी और सब के लिए भी। बोला मिनिमम इंसिडेंस के लिए भी TIR हुआ है, ऐसा क्या आप बोलना चाह रहे हैं? समझना मेरी बात को। देखो ये अपने पास क्वार्टर सर्कुलर ट्यूब है ना, ठीक बात। अब मैं लाइट रेज की बात करता हूं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेकर, एक लाइट रे जो बिल्कुल इधर वाले एक्सट्रीम से आ रही है, सीधा नहीं बना, लेट सपोज की वर्टिकल लाइन है, बोलो ठीक है, अच्छा, और एक यहां से आ रही है, एक जो बीच में आ रही है, सेंटर जो होगा ऑब्वियसली यहां होगा। एक लाइट रे मतलब ये नॉर्मल डाला मैंने, तो एक एंगल तो ये और एक एंगल ये वाला, मतलब अपन जितना उधर शिफ्ट होते जा रहे हैं इंसिडेंस एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। तो साहब इंसिडेंस एंगल जो है वो मिनिमम है, कहां? इस वाले इंसिडेंस एंगल इसके लिए मिनिमम है। बोले बिल्कुल ठीक है, यदि ये डी है तो ये आर माइनस डी और ये डिस्टेंस आर, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी बन रही है, ये एंगल थीटा, ये आर, ये आर माइनस डी, साइन थीटा जो है इस ट्रायंगल से निकालने पर आर माइनस डी अपॉन डी आएगा, सॉरी आर माइनस डी अपॉन आर, and that should be greater than equal to 1 by 2. Mu rarer upon mu denser, तो rarer तो दूसरी साइड में 1 है और denser अपने पास refractive index इस ट्यूब मटेरियल का 2 है, तो r minus d upon r greater than equal to 1 by 2. तो यहां से यदि मैंने बात की तो 2r minus 2d greater than equal to r, इसका मतलब r greater than equal to 2d. diameter d जो given है ना बेटा वो 4 millimeter given है, तो यदि मैं 2D की बात करूं देन 2D विल बी 8 mm. तो इस वाले केस में यदि रेडियस 8 mm से, रेडियस ही पूछा गया, आउटर रेडियस आर्क के बारे में पूछा गया, यदि वो 8 mm से ज्यादा होगी तो कोई भी इमर्जेंट रही रे नहीं होगी फर्स्ट रिफ्लेक्शन से। क्लियर? सो डियर थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत कंसेप्चुअल सा फ्लूइड का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि बेस एरिया एंड हाइट ऑफ डिफरेंट वेसल्स, डिफरेंट वेसल्स आर सेम, कि तीन डिफरेंट वेसल्स है ना, उनका बेस एरिया सबका ए ए और ए, और इनकी हाइट भी सबकी सेम है। फिर वो कह रहा है कि सेम लिक्विड ऑफ डिफरेंट मासेस आर फिल्ड इन द कंटेनर्स, सेम लिक्विड मतलब डेंसिटी सेम, अलग अलग मास का तीनों में फिल कर दिया। वो कह रहा है कि कंटेनर्स के बेस पर लिक्विड के थ्रू जो फोर्स है, कंटेनर्स के बेस पे लिक्विड्स के थ्रू जो फोर्स है वो F1, F2 और F3 है, तो आप F1, F2 और F3 को लेकर क्या बोल सकते हैं? देखो मेरी बात को समझना जरा, लिक्विड ने बेस पर क्या फोर्स लगाया वो होगा मास, या फिर मैं कहूं सीधा सीधा प्रेशर इनटू एरिया। लिक्विड ने बेस पर जो फोर्स लगाया दैट इज डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया। बोले जी ठीक है, अब सुनो, वो यहां प्रेशर है P0, बोलो ठीक, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर है P0 प्लस रो जी एच, हाइट तो तीनों की सेम है लिक्विड की, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर है P0 प्लस रो जी एच, और इस वाले पॉइंट पर भी प्रेशर है P0 प्लस रो जी एच। तीनों केसेस में P0 प्लस रो जी एच जो है वो प्रेशर है, एच डेप्थ जाना है तो वर्टिकल डेप्थ से मतलब होता है, तो P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच, बेस एरिया कैपिटल ए है,
तो यदि मैं फोर्स की बात करूंगा देन फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, बेस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज प्रेशर इनटू एरिया एंड दैट वैल्यू इज पी नॉट प्लस रो जी एच इनटू ए। अब ये क्या तीनों वेसल्स के लिए सेम है? बिल्कुल सर, ये तीनों वेसल्स के लिए सेम है। तो इस कंडीशन में फोर्स F1, F2 और F3 तीनों में बेस पर जो फोर्स होगा वो सेम होगा। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। बहुत सिंपल सा, देखो मेंस के पेपर को हमने ऐसी कोशिश की है ना, लेंथी नहीं चाहिए ना, मेंस का पेपर आता भी नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल सा रखने की उसको कोशिश की गई है ताकि रियली में आपको पता चले कि अपने को सब्जेक्ट में अभी भी ना, तो अभी भी आपके मेंस के दो अटेम्प्ट बाकी हैं और एक एडवांस का पेपर बाकी है, तो रियली में आपको ये पता रहे इस टेस्ट को देने के बाद कि यार मेरे अभी भी किसी पॉइंट में पर्टिकुलरली कंसेप्चुअल कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेटिव की बात ऐसी है बेटा, जब एरर पढ़ाते हैं ना तो ह्यूमन एरर बिल्कुल सभी जगह होती है, तो हो भी सकती है और नहीं भी, पर एटलीस्ट कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो इस पेपर को बनाते टाइम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि पेपर में सारी चीजें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड नहीं, कंसेप्ट बेस्ड हो। चलिए जी सर, तो अपन अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि दो इक्विलेटरल प्रिज्म है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है आइडेंटिकल इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब प्रिज्म एंगल जो है वो 60 डिग्री, और इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो अपने को दिया गया है वो √2 है, और डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द प्रिज्म्स आर इन सेम सेंस, मतलब दोनों प्रिज्म जो है उनके थ्रू जो प्रोड्यूस्ड डेविएशन है वो सेम सेंस में है। ओके, वो बोल रहा है कि टोटल डेविएशन, मतलब सेम सेंस का मतलब क्या है कि यदि जैसे इसके थ्रू यदि क्लॉकवाइज डेविएशन है ना, तो डियर इसके थ्रू भी क्लॉकवाइज डेविएशन, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज देगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म्स आर मिनिमम, यदि प्रिज्म के थ्रू प्रोड्यूस्ड टोटल डेविएशन मिनिमम है, तो द एंगल बिटवीन AC कि AC और PQ के बीच प्रोड्यूस्ड मतलब एंगल कितना है, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच एंगल कितना है। मेरी बात समझ गई, थोड़ा सा इसमें करेक्शन, ठीक है सर। तो हमने कहा साहब देखो ऐसा है, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो कंसेप्ट की समझने की है, देखो दोनों के थ्रू टोटल डेविएशन मिनिमम है तो वो कब होगा, जैसे मैंने कहा देखो ऐसा है कि डेल बराबर डेल वन प्लस डेल टू है, ठीक है, बोले हाँ दोनों सेम सेंस में है, मतलब ये प्लस 30 तो इसका भी कुछ प्लस का डाटा आएगा, तो ये टोटल डेविएशन मिनिमम तब हो सकता है जब ये भी डेविएशन मिनिमम है और ये वाला भी मिनिमम है, मतलब इसका भी मिनिमम है और इसका भी डेविएशन जो है वो मिनिमम है, डेल वन का भी मिनिमम डेविएशन और सेकंड का भी। अच्छा, अब यदि फर्स्ट का डेविएशन मिनिमम है और सेकंड वाले का भी मिनिमम है, तो मैंने कहा यहां से जो लाइट रे निकलेगी वो ऑब्वियसली इसके प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो। अब ये जो छुटकू सा एंगल है इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, अब ये 60 डिग्री है तो भाई साहब ये 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये 30 होगा, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला कितना होगा 45। मैंने मिनिमम डेविएशन का केस लगा दिया कि R1 और R2 बराबर होते हैं और I और E भी बराबर होते हैं और R1 और R2 की वैल्यू a/2 के इक्वल होती है, बोलो ठीक, बोले जी ठीक है। तो डियर इस कंडीशन में यदि ये दूसरा वाला प्रिज्म ये भी मिनिमम डेविएशन देता है, मतलब ये मिनिमम दे रहा है ये भी मिनिमम देता है, ये मिनिमम कब देगा, बोले सब जब ये 45 समझ में आया क्या तुम लोगों ने, शायद निकाल लिया होगा, मैंने एक्चुअली इन दोनों पर स्लेंस नो लगाया है कि 1 into sin i is equals to mu into sin 30, आपके mu की वैल्यू जो है वो √2 है तो √2 into 1/2, तो sin i जो मेरे पास आएगा वो 1/√2 आ जाएगा, तो वो 45 के एंड करेस्पोंडिंग होगा। दोनों में मिनिमम डेविएशन का कंडीशन लगाया, बोला ये 45 ये 45, दैट मींस ये वाला जो एंगल आएगा इस ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स के बीच, ये वाला जो है इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल क्लियर कितना आएगा 90 डिग्री। तो AC और PQ इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच जो एंगल है, नॉर्मल्स के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब दोनों के बीच भी एंगल कितने डिग्री का होगा, बोले जी सर 90 डिग्री का होगा, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली दोनों के नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों सरफेसेस भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो AC और PQ के बीच एंगल जो है
दैट एंगल इज 90 डिग्री। चलिए जी सर, तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दैट फिगर शोज अ सॉफ्ट फिल्म इन विच अ क्लोज्ड इलास्टिक थ्रेड इज लाइंग, द फिल्म इनसाइड द थ्रेड इज प्रिक्ड। देखिए ये एक थ्रेड है, इसको यहां पर अपन ने सर्कुलर फॉर्म में रख दिया और इसके इनसाइड में जो फिल्म है सॉफ्ट की उसको हटा दिया, पंचर कर दिया किसी किसी भी तरीके से। फिर वो बोल रहा था कि स्लाइडिंग वायर इज मूव्ड आउट, मतलब ये सिचुएशन थी, इसमें सॉफ्ट फिल्म थी, इस पे थ्रेड रखा हुआ था, अंदर की जो थिन फिल्म है, अंदर की जो सॉफ्ट फिल्म उसको हटा दी, आपने स्लाइडिंग वायर को इस डायरेक्शन में आउटवर्ड खींचा, चाहे आप आउटवर्ड ले लो चाहे इनवर्ड ले लो। ठीक है, पूछा यह गया है कि द रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय द इलास्टिक थ्रेड विल, इलास्टिक थ्रेड की जो रेडियस है। देखो डियर, ये जो थ्रेड है ये इस फिल्म की वजह से, फिल्म के लगने वाले सरफेस टेंशन की वजह से कुछ इस फॉर्म में है। यदि आप इररेगुलर शेप में भी छोड़ते हैं और इनसाइड की फिल्म को प्रिक कर देते हैं तो वो एक सर्कुलर फॉर्म बना देता है। इसने पहले से सर्कुलर फॉर्म बना रखा है, अपन ने उसको प्रिक कर दिया, प्रिक करने के बाद में बोला इसको खींचा। तो देखिए सरफेस टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो लेंथ से होता है, एरिया से कोई रिलेशन नहीं होता, और ऑब्वियसली इस फिल्म के एरिया से तो कोई रिलेशन नहीं है उसका। तो यदि अपन इसको इस साइड में पुल करते हैं तो इस थ्रेड पर लगने वाला सरफेस टेंशन जो सोप सॉल्यूशन की वजह से लग रहा है उसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो इस इलास्टिक थ्रेड की जो रेडियस है उस रेडियस में भी डियर कोई चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो मेरा जाएगा 11th का, दैट थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, इट रिमेन्स सेम। क्लियर? चलिए जी सर, बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अल्टीमेट सा, सिंपल सा बट बेसिक पता तो इजी सा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि इन अ YDSC सेटअप इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट इज सेम, कि एक YDSC सेटअप में इंटेंसिटी सेम है हर एक स्लिट से। अब कह रहा है कि इफ इंटेंसिटी फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इज वेरीड, कि किसी एक स्लिट से इंटेंसिटी में वेरिएशन डाल दिया जाता है, देन चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना अपने को। पहला बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम में इंक्रीज। तो देखो आई मैक्स जो होता है वो होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। यदि आपने आई वन इंक्रीज किया तो आई मैक्स बढ़ सकता है, आई वन डिक्रीज किया तो आई मैक्स घट सकता है। मतलब किसी भी एक को इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा, किसी भी एक को डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा। मतलब इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो पहले तो इसमें ये कहा गया कि द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम में इंक्रीज, सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर सेकंड वाले में बोल रहा है दैट इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मस्ट इंक्रीज, तो ये तो भाई साहब गलत हुआ ना, कि हो भी सकता है और नहीं भी। अगले में कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा में इंक्रीज। देखिए मिनिमा की जो बात होती है ना, आई मीन इसकी वैल्यू होती है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। पहले क्या था आई वन और आई टू, देखिए स्टार्टिंग में ये बोला गया है कि इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट इज सेम, तो पहले आई वन और आई टू दोनों बराबर थे ना, पहले आई वन और आई टू दोनों बराबर थे। बाद में आपने क्या किया, किसी एक में वेरिएशन डाल दिया, तो पहले जब बराबर थे तो आई मीन कितना था, जीरो। अब किसी में भी वेरिएशन डाला, चाहे आई वन बढ़ा दो आई वन घटा दो, ये कुछ डाटा आएगा, मतलब कुछ डाटा आएगा, समथिंग आएगा ना। तो पहले कुछ भी नहीं था, अब कुछ डाटा आ रहा है, तो इस कंडीशन में मिनिमा की इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो इस वाले केस में थर्ड वन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया और फोर्थ वन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन और फोर। अच्छा, इसके अलावा यदि इसमें अपन फ्रिंज विजिबिलिटी की बात करते हैं ना बेटा, तो फ्रिंज विजिबिलिटी जो है वो आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन। फ्रिंज विजिबिलिटी किसी भी एक की स्लिट वेरी करने से हमेशा, किसी भी एक स्लिट की इंटेंसिटी वेरी करने से हमेशा डिक्रीज होती है, फ्रिंज विजिबिलिटी डिक्रीज होगी। श्योर? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं 12 के बाद, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 में एक आ जा रहा है दैट इन अ YDSC सेटअप द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स at a point on the screen is lambda by 6, if ratio of intensity at this point and at the point of central bright will be, aur ye bola gaya ki assume that intensity due to each slit is same, ki har ek slit ki wajah se intensity same hai, to humne kaha central maxima par to intensity jo hoti hai is case mein formula yaad hai that it is 4 I naught cos square phi by 2,
या फिर मैं इसको कहूं वी कैन राइट आई मैक्स की वैल्यू 4 आई नॉट आती, जनरल इंटेंसिटी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 4 आई नॉट, ये वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर 5 बाय 2, या फिर इसको आई मैक्स के टर्म्स में मैं लिखना चाहूं देन आई कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स cos स्क्वायर 5 बाय 2, और मुझे यहां पर आई अपॉन आई मैक्स की वैल्यू चाहिए, दैट इज cos स्क्वायर 5 इज द फेज डिफरेंस, so that can be written as 2 pi by lambda into delta x, और delta x कितना आपका lambda by 6, अब देखो dear 2 से 2 सही हो गया, lambda से lambda सही हो गया, this value is pi by 6, cos pi by 6 is root 3 by 2 square, मारा तो 3 by 4, and 3 by 4 बोले तो कितना 0.75, मतलब उस point पर और central maxima पर intensity का ratio 0.75 होगा, so third one is the correct answer. चलिए जी सर बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 14 एक्चुअली एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, पहले अपन उस कंसेप्ट को समझते हैं फिर इस पे आते हैं कि यदि कोई लाइट रे ना इधर रेयर मीडियम है इधर डेंसर मीडियम है, देखो कभी भी लाइट रे यदि किसी इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है कुछ पार्ट रिफ्रेक्ट होता है. अच्छा ये पाई के फेज डिफरेंस से होती है यदि रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है, और यदि इधर डेंसर और इधर रेडियर होता है तो इसमें किसी टाइप का इस रिफ्लेक्टेड रे में किसी टाइप का कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं आता है. लाइट रे चाहे किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम पर इंसिडेंट हो रही है ना क्रिटिक, फिर वो डेंसर वाले में क्रिटिकल एंगल से छोटे पर, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट रिफ्रेक्ट होता है. यदि रेयरर टू डेंसर है तो रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज डिफरेंस होता है, डेंसर टू रेयरर है तो रिफ्लेक्टेड रे में किसी टाइप का कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं होता है. चलिए जी सर अपन अपने क्वेश्चन की बात करें, अपने वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लाइट रे जो है वो एक थिन फिल्म पर इंसिडेंट हो रही है, जैसा कि डायग्राम में शोन है, M और N जो है वो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं और P और Q जो है वो दो ट्रांसमिटेड रेज हैं. फेज डिफरेंस बिटवीन N एंड Q इज पाई, वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच पाई का फेज डिफरेंस है, तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का करेक्ट ऑर्डर बतलाना है. बोलो ठीक. अच्छा तो सुनना मेरी बात को, देखो N जो है ना उसके साथ एक जगह रिफ्लेक्शन यहां हुआ है और Q जो है ना उसके साथ एक रिफ्लेक्शन यहां एक्स्ट्रा हो चुका है. बोलो सर. बोला जी ठीक है, हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं कि किस में पॉसिबिलिटी है. यदि n2 n3 से ग्रेटर हुआ, n2 n3 से ग्रेटर हुआ तो कोई फेज डिफरेंस नहीं, जीरो. फिर यहां n2 और यहां n1, यहां n2 और n1 हुआ तो यहां भी फेज डिफरेंस कितने का, जीरो का. और ट्रांसमिटेड जो होती है उसमें तो हमेशा कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आता है, नहीं आता. मैंने ऑप्शन की बात की, यदि n2 ग्रेटर देन n3 है तो यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यहां पर कोई फेज डिफरेंस n2 ग्रेटर देन n1 है तो भी नहीं होगा, तो इधर रिफ्लेक्टेड में तो कभी होता ही नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो हो गया डियर इनकरेक्ट. सेकंड में आ गया कि n3 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n1, n3 ग्रेटर देन n2 मतलब यहां एक पाई का फेज डिफरेंस आया और n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 है, इसका मतलब यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं आया जीरो का, यहां इसके साथ कोई फेज डिफरेंस आना ही नहीं है जीरो का, इधर कोई फेज डिफरेंस तो रिफ्लेक्टेड में आना ही नहीं है जीरो का, मतलब एक फेज डिफरेंस यहां आ गया पाई का एक्स्ट्रा. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है क्या, सिंपल सा फंडा समझ रहा है. रेयरर और डेंसर हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं. चलो कि साहब ये रेयरर और ये डेंसर, इसका मतलब पाई का फेज डिफरेंस लगा, फिर यहां पर ये डेंसर और ये रेयरर तो कोई फेज डिफरेंस नहीं लगा, फिर ये तो ट्रांसमिटेड है और ये मतलब ट्रांसमिटेड आ गया, ये भी ट्रांसमिटेड है तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब पाई का फेज डिफरेंस यहां एक्स्ट्रा आ गया. तो भाई साहब एन और क्यू में एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई का आ रहा है किस वाले ऑर्डर से, सेकंड वाले ऑर्डर से. थर्ड वाले में आ जाओ जरा कि एन थ्री ग्रेटर देन एन वन ग्रेटर देन एन टू. अब यहां पर यदि मैं सोचू यहां फेज डिफरेंस पाई का आ गया, आ गया, फिर यहां फिर से फेज डिफरेंस पाई का आ जाएगा रिफ्लेक्टेड नहीं. देखो n3 greater than n1 और greater than n2, तो इस रिफ्लेक्शन में एक फेज डिफरेंस आ गया पाई का, ये रेयरर और ये डेंसर, ये रहा. फिर उसके बाद ये रेयरर और ये डेंसर, तो फिर से एक फेज डिफरेंस आ गया कितने का, पाई का.
दो दफा पाई जुड़ा तो या तो टू पाई या जीरो बोलो यस और नो पक्का। तो सर इस वाले केस में सेकंड जो है वो अपना करेक्ट आंसर है, थर्ड डज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी अपनी आ चुकी है। बोलो सेट, चलिए आगे बढ़ाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, पोलराइजेशन पर बेस्ड। यदि एक कंसेप्ट पता है कि यदि लाइट रे ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज्ड, पार्शियल रिफ्रेक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड भी उसको बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इस कंडीशन में ये वाला जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें ऑप्शन में यही बोला गया है पार्शियली पोलराइज्ड को अपन इसमें अनपोलराइज्ड मान के चल सकते हैं। तो पहले में कह रहा रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बोथ आर पोलराइज्ड, गलत बात, रिफ्लेक्टेड इज पोलराइज्ड एंड ट्रांसमिटेड इज अनपोलराइज्ड, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, तो सेकंड अपना करेक्ट आंसर जाएगा इस केस में। चलिए ठीक, आगे बढ़ाए 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है डियर। 16 में कह रहा है इट इज अज्यूम्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यदि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट इन एसएचएम, एसएचएम में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। मैं पहले थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेता हूं, दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में और बराबर से ही आते हैं ना। तो यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, मान लो इक्वेशन जो है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ एम वी स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साथ में कोस स्क्वायर ओमेगा टी, बोलो ठीक बेटा। तो एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकता हूं, सो इट इज के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू साथ में कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यदि मैं टाइम के साथ इंटीग्रेशन के डी टी जीरो टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो टू कैपिटल टी सोल्व करता हूं ना, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज जो आता है वो 1/2 आता है, ये अपने को पता है, इतना तो सही है। बाकी तुम्हें मन में नहीं शांति नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1+cos2ωt डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेट करके निकाल लो, 1/2 आएगा, डाटा 1/4 आ गया। सिमिलरली यदि मैं इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी एवरेज कैलकुलेट करने पर एक टाइम पीरियड में मेरे पास के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आती है। पोटेंशियल एनर्जी के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग दोनों की मीन एवरेज वैल्यू सेम होती है। तो सर इस वाले केस में ये दोनों डाटा तो हाफ के ए स्क्वायर 1/4 के ए स्क्वायर 1/4 के ए स्क्वायर, अब मेरे को फर्स्ट और सेकंड में बात करनी है तो मैं एक काम करता हूं, पहले सेकंड को लेकर एवरेज निकाल लेता हूं। तो अब इसमें देखो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लगाने जा रहा हूं, बाकी आप इसको माइनस ए से प्लस ए में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ये कहें कि देखो जब पार्टिकल एसएचएम करता है ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स इज इक्वल टू प्लस ए और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो जो एनर्जी यहां वही आते टाइम यहां, जो एनर्जी यहां वही आते टाइम यहां, मतलब जीरो से ए में, ए से जीरो में, जीरो से माइनस ए में और माइनस ए से जीरो में, एवरेज की वैल्यू क्या होती है सेम। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज जो है वो फिर जीरो से ए में निकाल ली, स्पेस के रेस्पेक्ट में वही आएगा, तो एवरेज जो आएगा इंटीग्रेशन लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू ए, दिस इज द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी with respect to space, we have to integrate it from 0 to a. तो value जो मेरे पास आती है यहाँ पर, वो निकल कर आती है k a cube divided by 6 साथ में a, मतलब data निकल के आया बेटा k a square divided by 6. Potential energy का data निकल के आया k a square by 6. अब kinetic energy का average जो है, वो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि it is half k a square minus x square dx and the limit goes from 0 to a divided by integration of dx and the limit goes from 0 to a, एक तो ऐसे करके निकाल लो। दूसरा मैं ऐसे कहूं, देखो SHM में काइनेटिक और पोटेंशियल का समेशन जो है वो हमेशा हाफ के a square होता है, तो चाहे एवरेज ले लो चाहे कुछ भी ले लो, तो k का एवरेज लोगे तो वो मेरे पास हाफ के a square, एवरेज भी टोटल एवरेज तो यही आएगा, माइनस में u एवरेज आएगा,
अब यू एवरेज की वैल्यू है 1/6, 1/2 माइनस 1/6 दैट इज 1/3, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है स्पेस के रिस्पेक्ट में एवरेज, उसकी वैल्यू निकल कर आती है 1/3 के ए स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है ये मैक्सिमम होगी। तो यहां से यदि मैं बोलना चाहूं इसमें, तो डियर फर्स्ट वन जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, दैट इज द करेक्ट आंसर। देख लो 1/3 है, ये 1/6 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ 1/3 वाला, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर 16th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है दो पार्टिकल P और Q हैं, वो SHM कर रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम स्ट्रेट लाइन के लोग, और दो पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम सेपरेशन जो है इन दोनों के बीच वो √2a है, तो इनके बीच फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, पहले JEE मेन में आया हुआ भी है, कि एक पार्टिकल जो है उसके SHM की इक्वेशन तो होगी a sin omega t, और डियर दूसरे पार्टिकल के SHM की इक्वेशन होगी a sin omega t plus phi। एक पार्टिकल के SHM की इक्वेशन तो होगी a sin omega t और दूसरे पार्टिकल के SHM की इक्वेशन होगी a sin omega t plus phi। वे दोनों सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीन पोजीशन के अबाउट कर रहे हैं, दोनों के बीच मान लो phi का फेज डिफरेंस है, तो एक की इक्वेशन लिखी दूसरे की लिख दी, तो यहां से यदि मैं दोनों के बीच x2 - x1 की बात करूं, दैट वैल्यू इज a sin omega t plus phi, साथ में माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साथ में माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। अब देखो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, तो ये निकल आएगा मेरे पास कुछ इस टाइप से, कॉस सी प्लस डी बाई टू साथ में साइन सी माइनस डी बाई टू, यही बचे, दिस इज डेल्टा एक्स। ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, इनिशियली उनके बीच जो फेज डिफरेंस है हमेशा वही रहेगा, कोरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे, तो उनके बीच जो फेज डिफरेंस है ना वो फाई है, तो वो कॉन्स्टेंट डाटा है, मतलब साइन फाइव बाई टू एक कॉन्स्टेंट डाटा है, ये डाटा वेरिएबल है, मेरी बात को समझना, ये डाटा वेरिएबल है, तो मैं कहूं डेल्टा एक्स में ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये वेरिएबल, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब वेरिएबल मैक्सिमम होगा, वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये होगी जब ये वन होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम वैल्यू √2a गिवन है, सही। तो यहां से साहब मेरा a से तो a सही हो गया, sin 5 by 2 जो है वो 1/√2 आ गया, मतलब मेरा 5 by 2 जो है वो pi by 4 निकल कर आ गया, मतलब phi जो है वो मेरे पास 5 by 2 is 5 by 4 and the phi is 5 by 2, मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस जो है वो अपने पास 5 by 2 निकल कर आ गया, बोलो ठीक। चलिए जी सर, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर की बात करें, then second one is the correct answer, बोलो ठीक। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, 17th के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए 18 में कह रहा है कि that a smooth piston of mass small m and cross section area capital A is in equilibrium on a diatomic gas filled in a cylindrical container and outside there is vacuum, ठीक है, पिस्टन और कंडक्टर दोनों कंटेनर दोनों नॉन कंडक्टिंग है और गैस कॉलम की जो हाइट है कंटेनर में इक्विलिब्रियम में वो एल नॉट है। इफ पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस्ड डाउन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, मतलब ये कह रहा कि ये यहां पर है इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है, अब गए मन किया थोड़ा सा दबा के छोड़ दिया उसको ना, तो वो जो पार्टिकल है पिस्टन है वो ऑसिलेट कर रहा है, we have to calculate the frequency of oscillations, time period of oscillations। चलिए जी सर क्वेश्चन में बात करें, देखो दोनों नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब oscillations जो होंगे वो कैसे होंगे, बोले जी सर मतलब जो प्रोसेस होगा oscillation के ड्यूरेशन में that will be adiabatic process। अब शुरू में ये L not height तक फील्ड है, तो इस कंटेनर पिस्टन पर mg फोर्स नीचे और गैस के प्रेशर और उसके एरिया के बराबर फोर्स अपवर्ड, बोलो सही बोला, मतलब पहली इक्वेशन जो मेरे पास निकल कर आई दैट इज एमजी इज इक्वल टू पी गैस इनटू में उसका एरिया, पी गैस की जो वैल्यू होती है उसको अपन लिख सकते हैं
गैस के लिए बोलना चाहे तो इनिशियल प्रेशर जो है वो अपने पास mg by a के इक्वल होगा, एक फॉर्मूला तो ये है, बोले जी ठीक है। अब उसके बाद आपने जब उसको थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ा तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर वेरी करता है, और इक्वेशन जो होती है वो होती है साहब PVS to the power gamma is equal to constant। बाद वाले प्रेशर को P डैश कह दिया, बाद वाले वॉल्यूम को V डैश कह दिया, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी वेरी कर रहे, तो बाद वाला प्रेशर P डैश और वॉल्यूम V डैश। अब P गैस की जो इनिशियल वैल्यू है वो तो मेरे पास है mg upon a, इनिशियल वॉल्यूम है a into L naught raised to the power gamma, P डैश अपने को पता करना है, और फाइनल जो वॉल्यूम है वो a L naught minus x इसकी पावर गामा। मान लो आपने उसको x डिस्टेंस से कंप्रेस किया तो गैस जो है वो पहले L naught लेंथ में थी, अब L naught minus x में, बोले जी हाँ यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो नया जो प्रेशर आ रहा है P डैश दैट इज mg by a L naught minus x divided by L naught raised to the power minus of gamma। नहीं गया इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, उल्टा करके दिया तो पावर माइनस गामा सेट होगी, तो 1 माइनस x बाय l नॉट और बाइनोमियल लगाया तो mg बाय a 1 प्लस गामा x बाय l नॉट, दिस इज द न्यू प्रेशर। ठीक, चलिए सर यदि ये नया प्रेशर है तो उस पिस्टन पर अभी जो है हाल फिलहाल नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है p डैश इनटू a, भाई साहब मेरे P डैश इंटू ए की वैल्यू तो यही से mg प्लस mg गामा x डिवाइडेड बाय L नॉट आ रही है। अब पार्टिकल देखो मीन पोजीशन से नीचे है तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव और अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो बॉडी पर जो नेट फोर्स निकल कर आएगा वो होगा mg माइनस P डैश इंटू ए दैट इज माइनस mg माइनस में mg गामा x बाय L नॉट, तो ये तो सही हो गया। F नेट की वैल्यू को मैंने ma के इक्वल पुट कर दिया तो बॉडी का जो पिस्टन का जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो गामा g / l नॉट इनटू में x आ रहा है। लेट्स कंपेयर दिस इक्वेशन विद SHM जैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कंपेयर कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर x से, तो आपके ओमेगा की वैल्यू जो निकल कर आई वो निकल कर आ गई अंडर रूट गामा g / l नॉट, तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अंडर रूट में l नॉट डिवाइडेड बाय गामा, और गामा जो है डायटोमिक गैस के लिए वो 7/5 होता है ना, so that value is 7z/5 numerator में चला गया, so the answer time period is 2 pi under root 5 l naught divided by 7z, तो यहाँ से यदि मैं correct answer की बात करूँ ये, then fourth one is the correct answer। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 19 की बात करते हैं। देखिए 19 में क्या कह रहा है, the two particles p1 and p2 are performing SHM along the same straight line about the same mean position. Initially, they are at their extreme positions. If the time period of each particle is 12 seconds and difference in their amplitudes is 12 centimeters, then find the minimum time in which after the separation between the particles becomes 6 centimeters. Question कुछ ऐसा है कि दो particles same mean position के about SHM कर रहे हैं, but दोनों के amplitude में 12 centimeter का difference है. मतलब एक का amplitude a है ना, तो दूसरे का amplitude a plus 12 है. यदि a centimeter में है, और दोनों यहीं से शुरू कर रहे हैं. कितने टाइम के बाद उनके बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर होगा, कितने मिनिमम टाइम, मैंने कहा था आप देखो सर इसकी इक्वेशन तो लिखी जाएगी x y = a cos ओमेगा t, और दूसरे वाले की इक्वेशन लिखी जाएगी a plus 12 cos ओमेगा t, बोलो ठीक हाँ या ना, सिंपल सा है, एक्सट्रीम से शुरू करते हैं तो cos ओमेगा t लगाते हैं और एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, तो x2 minus x1 यदि मैं लिखूंगा तो वो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज 12 cos ओमेगा t, और अगला कह रहा है कि ये वाली वैल्यू कितने के इक्वल चाहिए 6 के इक्वल, रख दिया 6 के, तो यहां से cos ओमेगा t जो आ रहा है वो ऐड हियर 1/2, अब cos ओमेगा t यदि मेरा 1/2 आया समझ ना आ रहा है ना, मतलब ओमेगा t जो निकल के आया वो निकल के आ गया पाई बाई 3, तो टाइम जो निकल कर आया वो निकल कर आया पाई बाई 3 साथ में ओमेगा दैट इज 2 पाई बाई t, t इज 12, तो यहां से यदि अपन देखें पाई से पाई सही हो गया 12 बाई 6 दैट वैल्यू कम्स एज 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच डिफरेंस डिस्टेंस जो होगा दैट डिस्टेंस विल बी 6 सेंटीमीटर, बोलो ठीक। चलिए सर सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा अलग झटके से क्वेश्चन है ना,
मतलब ऐसे देख के लगता है बोलो भाई साहब ये तो एसएचएम है ही नहीं, अब ये सर क्या जानना चाह रहे हैं इसमें। मतलब जैसे x1 = 3 sin ओमेगा t और x2 = sin ओमेगा t + √3 cos 2 ओमेगा t है। आपसे ये पूछा गया कि टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, आपसे ये थोड़ी ना पूछा गया कि दोनों सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस का टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल हार्मोनिक नहीं है, मेरे को भी पता है, तो आप तो टाइम पीरियड निकाल लो ना। जैसे पहले वाले के टाइम पीरियड की बात करोगे ना, तो पहले वाले का टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा। अब दूसरे वाले में जैसे ये एक फंक्शन है जो कि ऑसिलेटरी है और ये एक फंक्शन है जो कि ऑसिलेटरी है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो तो है भाई साहब 2 पाई बाय ओमेगा, और दूसरे वाले का जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई बाय 2 ओमेगा। बोलो यस और नो। और दोनों ही फंक्शंस जो है, मतलब साइन ओमेगा टी एंड रूट थ्री टू कोस ओमेगा टी, दोनों ही फंक्शंस पीरियोडिक है। तो जब दो पीरियोडिक फंक्शंस का समेशन होता है तो उनका जो कॉमन टाइम पीरियड होता है वो दोनों का एलसीएम होता है, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा बोले जी सर 2 पाई बाय ओमेगा। यदि दो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो दोनों का टाइम पीरियड दोनों का एलसीएम होता है, दोनों का टाइम पीरियड निकालो और उसका एलसीएम निकालो, दैट इज अ कॉमन टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा और दूसरे वाले का टाइम पीरियड है 2 पाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि तुम्हें पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पता है तो हो जाएगा। इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में जो आएगा दैट इज द फर्स्ट वन। चलिए ठीक, चलो जी साहब, ये अपने जेईई मेंस के सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन थे। अब जेईई मेंस में एक दूसरा सेक्शन भी है, सेक्शन डी, जिसमें इंटीजर वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए उन क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रहा है साहब कि ये बॉडी ऑफ मास 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर, अनदर बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड हिट्स इट एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। वगैरह की 4 kg की बॉडी है, रेस्ट में इक्विलिब्रियम में पड़ी है, रेस्ट में इक्विलिब्रियम में यदि पड़ी है, सुनना जरा, तो मैंने कहा जी साहब इसमें इनिशियल एक्सपेंशन की वैल्यू जो है वो 1 by 10 meter या फिर अपन कहें 10 centimeter। बोलो सही, 10 सेंटीमीटर का इनिशियल एक्सपेंशन 1 by 10 meter का है। फिर अगर एक 4 kg की दूसरी बॉडी आई, फट से इसके साथ टकरा गई, टकराई तो उस बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, तो मैंने कहा देखो मास डबल हो गया 4 और 4 8, तो 8 केजी जो है, सुनना जरा बात को, 8 केजी जो है स्ट्राइक करने के बाद ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से उसकी स्पीड कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना बोले, हम एसएचएम करेगा करेगा, एम्पलीट्यूड जानना चाह रहे हैं, बोले एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, शुरू में एक्सपेंशन 1 by 10 meter का है, है ना, बाद की नई इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, मास चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गई, तो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी वो मेरे पास 80 इज इक्वल्स टू 400 इनटू x, मतलब x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1 by 10 और दैट इज 2 by 10, इट इज 1 by 5 meter एंड दैट वैल्यू विल बी 20 centimeter, मतलब नया एक्सपेंशन 20 सेंटीमीटर पर होगा, मतलब मेन पोजीशन यहां आई और बॉडी यहां से 1 by 10 ऊपर है, 1 by 10 meter और ऊपर की तरफ 1 meter per second से जा रही, तो और कितना ऊपर जाएगी। मैंने कहा साहब बॉडी की किसी भी पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है ना वो ओमेगा अंडर रूट a² - x² होती है। बोलो हाँ या ना। और ओमेगा जो होता है ना वो डी अंडर रूट में k/m होता है। बोलो यस सर। बोले तो यहां से स्क्वायर कर दो, 1 = दिस वैल्यू इज 400 डिवाइडेड बाय द मास दैट इज 8, इट इज a² - x² दैट इज 1 by 10, यहां से 1 by 10 पड़ी तो है तो 1 by 100, यहां से सोल्व किया 50, तो डियर इसको तो इधर भेजा 1 by 50 इज इक्वल्स टू a² - 1 by 100, तो यदि मैं a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एम्पलीट्यूड, तो इसको इधर ले आओ, दिस इज 1 by 50 प्लस 2 by 100 प्लस 1 by 100 दैट इज 3 by 100 है ना। यदि अपने पास ये डाटा 3 by 100 निकल कर आया, this data is amplitude a square, that is 3 divided by, that value is coming as अपन सही कर रहे हैं, mass की value अपन ने 8 kg रख दिया, ठीक है sir, that value a square is coming as 3 divided by 100, apology, ठीक है, अब अपने को amplitude बतलाना है, पर कुछ इस form में बतलाना है, that the amplitude is
वन बाई एक्स साथ में अंडर रूट का 3 डिवाइडेड बाई 4, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहां से एम्पलीट्यूड जो आया दैट इज अंडर रूट में 3 बाई 1/10, और मुझे इसको कंपेयर करना है किससे, 1/x इनटू में अंडर रूट में 3/4 से। बोलो सही, बोले जी ठीक है। देखो इसको बाहर लिख रहा तो ये वाला डाटा 2x आया, इधर ये डाटा किसके इक्वल पड़ा हुआ, 10 के इक्वल, मतलब यहां से सोल्व करने पर x की वैल्यू जो आती है वो अपने पास कितनी आ गई साहब, 5 आती है। बस कंफ्यूजन केवल यहां इतना सा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि 1/x रूट 3/4 लिखें, बच्चा इस 4 को बाहर निकाल के 2 लिख दे तो 2x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू अपने पास इजीली 5 आ जाएगी। बोलो ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 5। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 96 सेंटीमीटर, कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 96 सेंटीमीटर है। The ratio of length of two images formed by convex lens placed between them is 4.84. कि displacement method में क्या होता है, देखो जैसे यहां स्क्रीन होती है, यहां अपन लेंस रखते हैं, यहां ऑब्जेक्ट होता है और स्क्रीन पर दो बार परफेक्ट इमेज बनती है। बोले हाँ, यदि पहले वाले केस में ये u और ये v होता है तो डियर दूसरे वाले केस में ये डिस्टेंस v और ये डिस्टेंस u होती है। बोलो यस और नो। बोले हाँ। तो हाइट ऑफ इमेज पहले केस में तो u by v है और दूसरे केस में u by v, और वो कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो, ऐसे लिखोगे ना, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो पहले केस में मैग्निफिकेशन और दूसरे केस में I1/I2, यही तो बोल रहा, हाइट ऑफ इमेजेस जो दोनों केसेस में बन रही है उनका रेशियो 4.84 है। तो मैं ये कहूं कि पहले वाले केस में तो v by u और दूसरे वाले केस में u by v, ये वाला रेशियो जो मेरे पास आ रहा है ये 4.84 आ रहा है, मतलब डियर v square by u square मेरे पास आ रहा है वो 4.84 आ रहा है, v square by u square 4.84 आ रहा है, तो डियर v by u जो आएगा वो मैं कहूं 2.2 आ जाएगा, 2.2 का स्क्वायर करो 4.84 ही तो आएगा। बोलो हाँ या ना, पक्का? अच्छा, तो v by u 2.2 आया और बेटा v plus u जो है वो 96 है, प्लस यू जो है वो 96 है और इन दोनों का रेशियो जो है वो 2.2 आ रहा है। तो अपन यदि डाटा पुट कर दे यहां से 2.2u प्लस में u दैट इज 96, सो इट इज 3.2u, तो u कम्स एज 96 डिवाइडेड बाय 3.2, ये 10 तो चला गया ऊपर, ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, तो u की वैल्यू आ गई 30, u की वैल्यू 30 आई तो v की वैल्यू आ गई कितनी, 56। अब u तो 30 सेंटीमीटर है और v जो है वो 56 सेंटीमीटर है। अच्छा ये कंफ्यूज तो नहीं है ना, क्योंकि जो इमेजेस का रेशियो होगा वो मैग्निफिकेशन का है, जैसे पहले वाले केस में हाइट ऑफ इमेज 1 केस जो होगी वो m1 into में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे वाले केस में हाइट ऑफ इमेज जो होगी सेकंड वाले केस में दैट विल बी m2 into में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो m1 by m2 के इक्विवेलेंट ही आएगा, तो पहले केस में तो m1 v by u और दूसरे केस में u by v, अपने पास ये डाटा आ गया। वो कह रहा दोनों लोकेशंस के बीच, लेंस की दोनों लोकेशंस के बीच डिफरेंस कितने का, ये 30 है ये 56 है, तो बोले साहब लेंस की दोनों लोकेशंस के बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज 26 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री बेस्ड। देखिए क्वेश्चन में यह कहा गया है that an object of height 1 cm is kept perpendicular to the principal axis of a convex mirror rope, a radius of curvature 20 cm. ये एक convex mirror है ना? Convex mirror है तो फोटो दिखेगी कुछ ऐसी। बोले जी ठीक। इसकी radius of curvature जो है वो 20 cm है, मतलब focal length जो है वो plus 10 cm है। बोले ठीक है। यहां पर मैंने इसके सामने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट की यहां से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। बोले जी ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। मैंने कहा यदि ऐसा है तो इमेज जो बनेगी वो देखो 1/v - 1/20 = 1/10, तो 1/v = 1/10 प्लस 1/20, दैट वैल्यू कम्स एज 3/20, मतलब v की वैल्यू जो है इमेज यहां से 20/3 पर बनेगी। अच्छा देखो
यदि आप v by u की बात करते हो तो 1 by 3 आ रहा है, 20 by 3 divided by 20, 1 by 3 मतलब इमेज जो बनेगी वैसी बनेगी यहां, और यहां इसकी जो हाइट होगी ना ये वाली हाइट आ जाएगी साहब ऑब्जेक्ट की हाइट की 1 by 3 मतलब 1 by 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द हेड्स ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस इतना है, तो साहब मेरे को y माइनस x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतलानी है। बोलो ठीक, अब सुनो मेरी बात। देखो ये डिस्टेंस है 20 और ये है 20 बाई 3, तो ये टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास आई 60, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आ गई 80 बाई 3। ये है 1 बाई 3, ये है 1, मतलब ये डिस्टेंस बची कितनी 2 बाई 3। तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस d है, यदि मैं इसकी बात करूं तो इट इज अंडर रूट में 80 बाई 3 का स्क्वायर प्लस में 2 बाई 3 का स्क्वायर। तो ये डाटा जो मेरे पास आ रहा है अंडर रूट में नीचे तो 9 और ऊपर 6400 प्लस 4 दैट इज 6404। तो इसको जो सुंदरता से सजा के लिखा गया है वो ऐसे ही लिखा गया है, कंपेयर करोगे तो y तो 9 और x की वैल्यू कितनी है 4, इसको 1601 into 4 लिखोगे तो 6404 आएगा। y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4, तो y माइनस x की वैल्यू जो अपने पास आएगी दैट वैल्यू इज डेफिनेटली कितना 5। बोलो ठीक पक्का। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना फ्रिंज विजिबिलिटी पर बेस्ड है। इसमें ये बोला गया है साहब कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 4, इफ द फ्रिंज विजिबिलिटी इज y / x देन द वैल्यू ऑफ x - y। वो कह रहा है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज की इंटेंसिटी का रेशियो 4 है और फ्रिंज विजिबिलिटी y - x आती है, तो x - y बतलाना है ना, y / x आती है, x - y बतलाना है। देखो बेटा बात को समझना जरा, फ्रिंज विजिबिलिटी जो होती है ना वो आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मीन से बतलाई जाती है। अब फ्रिंज विजिबिलिटी जो है वो रियलिटी में मतलब ये क्लियरली शो करती है कि फ्रिंजेस की विजिबिलिटी कितनी अच्छी है, मतलब आप जैसे मैक्सिमा से मिनिमा जा रहे हो फिर मिनिमा से मैक्सिमा जा रहे हो तो आप बहुत क्लियरली बोल पा रहे हो कि साहब मिनिमा आ गया, अब देखो अब मैक्सिमा आ रहा है। तो ये जब मैक्सिमम होती है ना तो आई मिनिमम होता है 0 और दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी होती है सेम। अदरवाइज जैसे मैं इंटेंसिटी की बात करूं, जब फ्रिंज विजिबिलिटी 1 होती है ना तो स्क्रीन पर इंटेंसिटी जो है वो कुछ इस टाइप की बनती है, लेकिन यदि फ्रिंज विजिबिलिटी 1 नहीं होती है तो स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी है वो कुछ इस टाइप से बनती है, मतलब मैक्स मिनिमा जो है वो एग्जैक्टली 0 अचीव नहीं करता, तो आप क्लियरली नहीं बता पाते। क्लियर? चलिए जी सर, हमें फ्रिंज विजिबिलिटी इंटेंसिटी जो है वो कोरेंट सोर्सेस की वो 4 का रेशियो है, फ्रिंज विजिबिलिटी y / x आ रही है, तो फ्रिंज विजिबिलिटी जो होती है वो i max दैट इज √i1 + √i2 का होल स्क्वायर माइनस i मीन दैट इज √i1 - √i2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय i max दैट इज √i1 + √i2 का होल स्क्वायर प्लस में i मीन दैट इज √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। बोले जी ठीक है, सो वी कैन राइट इट लाइक अंडर रूट i1 / i2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट ऑफ आई वन बाई आई टू माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई वन बाई आई टू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ऑफ आई वन बाई आई टू माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो सही। अच्छा ये रेशियो 4 है तो 4 का अंडर रूट 2 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में दिस इज 2 माइनस 1 दैट इज 1 नीचे आ जाएगा 9 प्लस 1 दिस डाटा कम्स इज 8 by 10 that is 4 by 5। अब 4 by 5 की बात करें तो हमारा y जो है वो तो आ गया 4 और x की वैल्यू आ गई 5, तो y minus x की यदि अपन बात करेंगे then that ratio come, x minus y की बात करेंगे then that value is 1। क्लियर? चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक सिंपल सा इलास्टिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि साहब एक वायर पर पहले ये स्ट्रेस लगाया गया, क्वेश्चन है कि गिवन ग्राफ से यंग्स मॉडुलस निकालना है, वो इतना आया तो y की वैल्यू बता दो। पहले जब ये स्ट्रेस लगाया गया तो एक्सटेंशन आया 2 mm का, और जब ये स्ट्रेस लगाया गया तो एक्सटेंशन आया 4 mm का। मतलब जब पहले ये स्ट्रेस लगाया तो विस्तार आया 2 mm का, और जब ये स्ट्रेस लगाया तो विस्तार आया 4 mm का। मुझे तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वायर का यंग्स मॉडुलस निकालना है ना,
देखो सुनो मेरी बात, डेल्टा एल की जो वैल्यू होती है ना वो होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। इनटू में यही होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई इनटू में एल। बोले जी ठीक है, तो मैंने कहा डेल्टा एल टू माइनस डेल्टा एल वन दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 एम एम इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस एक केस में 4000 और एक केस में 8000। तो पहले वाले केस में तो अपन ने जैसे इसको मैं लिख दूं डेल्टा एल वन इज इक्वल टू एस वन एल अपॉन वाई और डेल्टा एल टू इज इक्वल टू एस टू एल अपॉन वाई। दोनों का डिफरेंस ले लो तो डेल्टा एल टू माइनस डेल्टा एल वन दैट इज एस टू माइनस एस वन इंटू में एल अपॉन वाई। अब देखो ये 4 mm ये 2 mm तो ये 2 mm बचा 2 into 10 की पावर माइनस 3 एस टू माइनस एस वन तो स्ट्रेस जो है वो 8000 माइनस 4000 दैट इज 4000 इंटू 10 की पावर 3। लेंथ जो है वायर की 1 मीटर गिवन है डिवाइडेड बाई वाई। अब ये कटा कितने बार 2 टाइम्स तो वाई की वैल्यू जो मेरे पास आई दैट विल बी 2 इंटू 10 की पावर 3 3 और 3 दैट इज 2 की पावर 9 2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें यहां से यदि बात करें तो y की वैल्यू कंपेयर करके बतलानी है तो कंपेयर करने पर y की जो वैल्यू अपने पास आ रही दैट वैल्यू इज कमिंग एज 2। क्लियर सर? ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन द डिस्कशन ऑफ दिस मेन सेक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एडवांस के लिए। चलिए ठीक, गुड बाय।